फिर उसके बाद ही आ जाता है हमारा नवग्रह मंदिर। बट अब हम थोड़ा आगे जा सकते हैं। मेरी आंखों से लिटरली वहां पे आंसू आ गए थे। तो 4 बज चुके हैं और हम लोग वापस आ चुके हैं होटल में। अभी तक हम लोग गए महाकालेश्वर मंदिर, जो कि मतलब हमारा मेन मकसद था महाकालेश्वर मंदिर में जाना, और उसके अलावा हम गए हर सिद्धि मंदिर में। तो अभी ये दो मंदिर के दर्शन करके हम लोग आए हैं, और अभी थोड़ी देर मैं क्या करता हूँ, एडिटिंग स्टार्ट कर देता हूँ, और फिर शाम को थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे, ऑटो रिक्शा वाले को बुला लेंगे और वो जो बाहर के मंदिर हैं वो वहाँ पर घुमा देंगे हमें 1-2 घंटे। काल भैरव मंदिर तो वहाँ पे 1-2 घंटे के आसपास का उन्होंने बताया था, कह रहे 2 घंटे के आसपास लग जाएंगे वहाँ मंदिरों में घूमने में। तो फिर उसके बाद वो घूम लेंगे, क्योंकि फिर रात को शयन आरती होनी है और फिर उसके बाद सुबह 3:30 बजे भस्म आरती होनी है। तो ये सारी चीज़ों में फिर एडिट करने का ना रात को टाइम नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी आ चुके हैं तो फिर अभी थोड़ी देर एडिटिंग कर लेते हैं और फिर उसके बाद मंदिरों में दर्शन करने चले जाएंगे। 6:30 बज चुकी है और फाइनली मेरा ब्लॉग एडिट हो चुका है, मैंने अपलोडिंग पे भी लगा दिया है, तो अभी कोई इशू नहीं है, कल अपना आराम से मेरा ब्लॉग अपलोड हो जाएगा। बस अब एक बार रिक्शे वाले भैया को फोन करता हूँ। भैया फ्री हो? फिर अब तो सुबह देख लेंगे, या फिर अब तो फिर शयन आरती होगी ना। अभी तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, सुबह चलेंगे, आपको तो सुबह चलेंगे, पर कहीं भी जाना होगा मंदिर अंदर घूमने चलना, सुबह चलेंगे। ठीक है सुबह कर लेते हैं। ठीक है भैया। तो रिक्शा वाले भैया की बात तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, वो करा रहे हैं रिक्शा का काम, तो कोई बात नहीं, अब कल सुबह जाएंगे मंदिर, जो बाहर के मंदिर है, उज्जैन से बाहर के मंदिर है ना, वो कल सुबह देखने जाएंगे। और अभी क्या है, 6:30 बज चुकी है, तो 9 बजे ना शयन आरती का टाइम है, तो अब वही देखने ही जाएंगे। तो अभी वैसे थोड़ी सी भूख लग रही है, तो अभी कुछ खाने का देख लेते हैं। तो गाइज अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है ग्रिल सैंडविच, टेस्ट करके बताओ पापा कैसा है। सही है, सही है। तो गाइज खाना अच्छा है यहाँ का, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम लोग बाहर आएंगे और हमें खाना अच्छा मिल जाएगा, बट अच्छा है यहाँ का खाना। तो सैंडविच खा लिया हम लोगों ने, थोड़ी भूख लग रही थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इसी वजह से सैंडविच खा लिया, तो पेट भर गया अपना आराम से। अभी हम लोग जा रहे हैं चप्पल लेने, कल हमने ना सोचा था कि पापा के लिए शूज़ लेंगे, बट यहाँ पे ना चप्पल की नीड है, शूज़ की नीड नहीं है हमें। तो अभी चप्पल वाली शॉप पे जा रहे हैं और चप्पल लेते हैं, मेरे लिए शूज़ की नीड ही नहीं है भाई, शूज़ में डाल रहा हूँ ना बार बार, बड़ी दिक्कत हो रही है शूज़ डालने में, तो चप्पल ज़रूरी है, तो चप्पल ले लेते हैं अभी। तो भैया देखो ये शूज़ तो हमने कर दिए पैक और चप्पल ले लिया, अब चप्पलों में घूमेंगे। चप्पल परचेज कर लिया हम लोगों ने और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस से महाकालेश्वर मंदिर, क्योंकि शयन आरती का टाइम हो चुका है, तो हमने सोचा कि अभी निकल जाना चाहिए, ये टाइम बेस्ट रहेगा, तो चलते हैं महाकालेश्वर मंदिर। गाइज अभी मैं मंदिर में ही हूँ और नॉर्मली यहाँ पे ना काफ़ी भीड़ होती है, बट हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि कोई भीड़ ही नहीं, अपना नॉर्मल चल रहे हैं, कोई लाइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है अपना। ये देखो ये ऐसे जा रहे हैं लोग अपना आराम से, तो कोई टेंशन नहीं है, अभी चल रहे हैं और दर्शन कराता हूँ आप लोगों को दोबारा से, एक बार तो आप लोग कर चुके हो। स्टार्टिंग में हमें दिखता है ये हनुमान मंदिर और फिर उसके बाद ही आ जाता है हमारा नवग्रह मंदिर, ये है नवग्रह मंदिर। पहले ना हमें यहीं से बाहर कर दिया था, बट अब हम थोड़ा आगे जा सकते हैं। तो गाइज अंदर दर्शन करके ना इतना ज़्यादा मज़ा आया, दोपहर को इतने अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए थे जितने अच्छे से अब दर्शन हुए, और जब ज्योतिर्लिंग देखा ना मैंने, वो मेरी आंखों से लिटरली वहाँ पे आंसू आ गए थे, मतलब ऐसा है कि यार वो फीलिंग ना डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ये एक ऐसी फीलिंग है। जब मैं पहली बार केदारनाथ गया था तब भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं सिर्फ वहाँ पर देखता ही रह गया था और कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस वहाँ पर जो चल रहा था ना, बस भोले बाबा का नाम चल रहा था, और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना अभी कि मैं उज्जैन आया हूँ, मतलब वो फीलिंग मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। हाँ, जो मैंने आप लोगों को दिखाया है उसमें आप लोगों को इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, बट जब आप लोग यहाँ पे आओगे ना, आप लोगों के मन को एक शांति मिलेगी ना ऐसी कि आप कहोगे कि हाँ यार ये कोई जगह है जहाँ मैं आया हूँ।
अभी हम लोग जा रहे हैं गणेश जी के मंदिर में। ये ओमकारेश्वर मंदिर से बाहर निकलते ही आ जाता है गणेश जी का मंदिर। गाइस ये है गणपति बप्पा की मूर्ति, गणेश जी का मंदिर, और ये देखो। तो 10:46 हो चुकी है और हम लोग फाइनली मंदिर से दर्शन करके आ चुके हैं। जो दोपहर को दर्शन हुए थे और जो अब दर्शन हुए, ज़मीन आसमान का फ़र्क था उनमें। दोपहर को ऐसे था कि हम लोग दर्शन की लाइन में थे, पहले तो दूर से दर्शन हुए, ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो 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 चलो, मतलब रुकने ही नहीं दिया। और जो अब दर्शन करके आया ना, एक तो पास से दर्शन करे और तसल्ली से दर्शन करे, मतलब इतने अच्छे दर्शन हुए ना कि पूछो मत। और वहाँ पे आंसू आने लग गए थे मेरे दो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और दोपहर को हम लोग प्रसाद लेके गए थे, और इस बार जब रात को हम दर्शन करके आए तो हमें प्रसाद साथ में मिला भी, मुझे भी और पापा को भी। किस बैठे हो? तो भाई अभी प्रसाद, हाँ देखो पापा कह रहे हैं आप ले ले भाई, हाँ, ले भाई। पहले तो पेट दिख रहा था, पेट तो है तो दिखेगा। हाँ पेट, जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं, जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं। तो भाई काफ़ी अच्छा लगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जाना था रात, मतलब सुबह 4 बजे भस्म आरती में। हमने सोचा था कि कल सुबह चले जाएंगे 4 बजे, बट मैं अपना आधार कार्ड नहीं लेके आया, तो वहाँ पे चाहिए अपना जेन्युइन आधार कार्ड। पापा तो लेके आए बट मैं नहीं लेके आया, इस वजह से ना मैं कल जा नहीं सकता भस्म आरती में। तो कल सुबह जाऊँगा और पहले अपना आधार कार्ड निकलवाऊँगा, यहाँ से आधार कार्ड निकलवाऊँ, फिर उसके बाद अपन भस्म आरती की वो स्लिप कटवा लेंगे और फिर परसों सुबह 4 बजे अपन भस्म आरती में जाएंगे। तो बस यही बताना था। पहले सोचा था कि कल सुबह ही दर्शन हो जाएंगे बट वो नहीं हो पाए। चलो कोई बात नहीं, आज जो दर्शन हुआ ना वो उससे भी मेरा मन भर गया। बट भस्म आरती में जो दर्शन करता है तभी आपका आना यहाँ पे पूरा होता है, संपूर्ण होता है। तो अगर आप लोग कभी भी उज्जैन आ रहे हो तो भस्म आरती जरूर देख के जानी है, वरना आपका आना अधूरा रह जाएगा। और अभी मैं बैठ रहा हूँ एडिटिंग करने और इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट में भैया जय महाकाल, हर हर महादेव लिख देना। और मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।